सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग मधुबन में ज्ञान स्वर में बैठे हैं स्पेशल सतगुरुवार हमारे लिए तो इतनी अच्छी विस्पत की दशा क्या होती है अनुभव करने वाली पुरुषार्थ में हर बात में सफलता तन भी अच्छा पहले मन अच्छा तन अच्छा धन अच्छा संबंध अच्छा सब अच्छा ही अच्छा है कोई न अच्छा है ही नहीं क्योंकि बहुत बाबा को ये एक मुझे नाज है नाज है कोई बात का विदेश में होते हुए आद से लेकर के हर एक को गुरुवार का महत्व बहुत है बुधवार रात होंगी सफाई कर लेंगे सब अच्छा कर लेंगे गुरुवार सुबह को प्यार से भोग लगाएंगे पहले बनाएंगे फिर तैयारी करेंगे भोग लगाएंगे हाँ। जो ऐसे विधि पूर्वक करते हैं ना उसको बहुत अंदर से अच्छी अपने प्रत है लगता है ये मैं स्वच्छता से करती हूँ सच्ची भावना से करती हूँ तो बाबा भी प्यार से ऑफर करता है कहते खाता नहीं हूँ पर तो मुझे प्यार से खिलाते हो ना तो उस पर मैं बहुत अच्छी तरह से जिस भावना से तुम खिलाते हो ना मेरे को भर देता हूँ फिर मेरे बच्चे खाते हैं ऐसे ही हम अपनी प्यारी पुरानी बात सुनाती हूं मन से भी एकदम कोई मेरे अंदर अस्वच्छ बात ना हो भले मैं भोग लगाऊं ऐसे ट्रांस में जाकर न लगाऊं कहां पर भी बैठी हूं श्रद्धापूर्क मन मन बिल्कुल इतना स्वच्छ और सच्चा हो स्वच्छ सच्ची हो जो बाबा दिल से मेरे को ऑफर करे मैं मैं ऑफर करूँ ना बाबा मेरे को स्वीकार करे भोग स्वीकार करेगा तो सब खाएंगे और मेरे को ही स्वीकार कर लेवे अच्छा बच्ची अच्छी है अच्छी अच्छी अच्छी, अच्छी, अच्छी। बड़ी मीठी है बड़ी ये है तो ये अनुभव है मेरा अपने आप को अच्छी बात ऐसी जो अस्वच्छ बात मेरे पास हो ही नहीं मतलब किसकी भी है लेकिन आज के ज़माने अनुसार बहुत बुद्धि तेज वाले है ना तो इसकी बात उसकी बात उसकी बात कोई ना कोई मन में रख लेते हैं अरे बात किसकी है सुबह और किसी का है मन मेरे में होगा तो बाबा को मैं ऑफर क्या करूँगी समझो मैं बैठती हूँ बाबा के सामने याद में बैठती हूँ तो जो मेरे मन में होगा वो ऑफ़र करेंगे तो अपनी भी कोई खरा अच्छी बात नहीं है वो तो एकदम धुलाई करके साफ करके और किसी की बात मेरे पास क्यों हो वो भी हमारे चेहरे पर सूखम अंदर सूक्षम वो जो ज्ञान योग की प्राकाष्ठा वाला चेहरा हो है, ना वो नहीं होगा ऐसे नहीं जिस गरीब बाबा को भोग ऑफर करते उसके शिकल अच्छी हो जाए नेचुरल नहीं होती है नेचुरल हमारी ऐसी अच्छी हो जैसा श, सत्यम शिवम सुंदरम मेरा बाबा है ब्रह्मा बाबा तो क्या बताऊं सत्यनारायण स्वामी सत्यता से स्वामी नारायण बनाया है पहले स्वामी फिर नारायण बना है, है? भक्ति मार्ग में स्वामी का बहुत अंदर से स्वामी के लिए गार होता है मेरा सतगुरु स्वामी है सतगुरु मेरा स्वामी है बड़ा रिस्पेक्ट तो मेरा स्वामी कैसा तो मैं आत्मा उसके आगे तो ये आज हर एक अपने आप को सदा के लिए है ऐसा अपने आप को बाबा के सामने ऐसा स्वच्छता से बाबा है जो मेरा स्वाभाविक हो जैसे बाबा ने सूर्य चंद्रमा स्टार्स वाली मूल्य चलाई है ज्ञान सूर्य मेरा बाप सूर्य मेरा बाप है, है। कितना चौबीस ही घंटा काम करता है थोड़ी यहाँ रात है तो वहाँ दूसरी जगह दिन है यहाँ दिन है तो वह चौबीस घंटा चक्कर लगाता है या सृष्टी चक्कर लगाती वो हाजुर है शिवा में और चंद्रमा मेरी माँ संपूर्ण मेरी माँ मैं हूं लकी स्टार न उम्मीदों का स्टार पर लकी स्टार सफलता का स्टार मेरे को क्या कहने का है ये क्या करता है ये क्या करता है न्यारी निले पर बाबा को प्यारी लगेगी न्यारी निर्लिप रहूं सब बातें बाबा को अच्छा लगता है बच्ची न्यारी बड़ी अच्छी मीठी है अकल वाली है जो हर बात में न्यारे रहने में जैसे बाबा की आज की हेडिंग है बाप की जो मत है हमारी गति सदगति करने के लिए सबसे न्यारी कोई ऐसी मत दे नहीं सकता जिसमें हमारी गति और सदगति सदा के लिए सदगति दाता राम है परमात्मा बाप है मत ऐसी देता है उसके मत से हमारी दिल साफ हो जाती है चित्त हर्षित हो जाता है चित्त में कुछ नहीं है ना हर्षित मुख है ये मम्मा हमको लिखती थी पत्र में साफ चित्त है मे मे तो हर्षित मुख होगा चित्त में कोई भी कोई बात चिंतन होगा या कोई बात किसकी चित्त में याद करेंगे छपी हुई होंगी है दूसरी की बात पर चेहरा मेरा आएगा ये तो कई बार अपने आप को देखेंगे ना जिसकी बात होगी ना वो मेरे चेहरे से आ जाएंगी नेचुरल जो मेरा बीज रूप स्थिति फिस्ता स्वरूप वाकते वो ध्यान रखो बहुत काल से ध्यान रखेंगे तो अंत काल में ये स्थिति हमारी बनी रहेगी बहुत काल से ध्यान रखने वाले की अंत के समय ऐसी स्थिति स्वयं के लिए चाहे सर्व का कल्याण करने के लिए स्थिति काम करेंगे ये है अपने ऊपर तो न, न, न मेरी पर्सनल कोई गलती है कोई कमजोरी है पास्ट हो गई ना अभी तो वह वो हूँ ही नहीं ना वो मुझे मेरी पास्ट याद आई ना चेरा जाएगा और दूसरे की कोई सामने भी दिखाई पड़ेगी ना मेरा चेहरा भूल की चलो जूठे से बोला तो मेरा चेहरा कैसा होगा ये झूठ बोलता है शिकल मेरी हो जाएंगी संभाल इसका नारद को जो कहा है ना भगत नारद नंबर वन भक्ति मार्ग गाया जाता है पर शिकल देख नारद अपनी शिकल देख झांझ बजाता है भगवान वैंकु लेके जा रहा है सबको बता रहा है पर भगवान कहता है अपनी शिकल देख बेचार शिकल देख पर yeah. तो लक्ष्य ऐसा हो जैसा लक्ष्य है वो लक्ष्य न मेरे में आ जाए क्यों लक्ष्य दाता भूलता नहीं है तो ये भी मम्मा की शिक्षा है लक्ष्य लक्ष्य दाता को कभी भूलो मत बस लक्ष्य दाता तभी मम्मा सरस्वती जगत बनी है पहले सरस्वती बनी फिर जगत बनी फिर लक्ष्मी बनी राधे कुमारी थी सरस्वती विद्या सरस्वती ऐसी नाले से ऐसी बन गई उसे जगत सबकी कामना पूरी हो गई उसको कोई कामना नहीं वो बनती है लक्ष्मी तो हम लोगों को भी जैसे मेरे मां बाप हर बात से पार करके कहाँ पहुंचे है? है मैं भी बच्चा हूं ऐसे पार हो जाऊ हो जाएगा हो नहीं हो जाएगा नहीं हो रहा है, है। हमारा हो, सब सबका हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है पर मेरा होता जाए होता जाए आगे जाता जाओ सब बात पार करके 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 बिल्कुल बाबा के सामने बैठे हैं बुला के कहेंगे आ जाओ भी बस सामने तब तक बैठो संपन्न बनने के लिए बाबा को सामने देखेंगे तो संपन्न बनेंगे किसी को सामने देखेंगे कभी नहीं बनेंगे किसी को भी सामने देखेंगे अच्छा हो या खराब हो उनको देखा बाप को सामने न देखा तो जिसको देखेंगे ऐसा बनेंगे जिसके लिए थोड़ा सोचेंगे वो ऐसा बन जाएंगे वो अवग्र मेरे में नहीं होगा पर मेरे में आ जाएगा क्यों देखा सोचा बरा ये ऊंची चोटी है पिचदार मार्ग है रस्ता बहुत नैरो है बहुत न ऐसे हो सकते न ऐसे हो सकते हैं है। 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 हिल भी नहीं सकते है कोई भी पकड़ भी नहीं सकते हैं किसी को मैं पकड़ भी नहीं हैं किसी का सहारा नहीं ले सकती हूं न किसको को सहारा दे सकती हूं मैं समझ मैं इसको सहारा दू मैं गिर जाएगी न किसी को सहारा दे सकती है सहारा ले सकते सीधी सीधी चलते चल चलते चल, चल जिनको आना है ना अपने आप पीछे पीछे आते जाएंगे आते जाते हैं ये बिल्कुल आज जैसे स्वच्छता से अपने आप को बाबा को ऑफर करेंगे भोग भंडारे में बनता है ये अंदर हमारा बनाते हैं जिस गरीब बाबा ने भोग लगाना शुरू किया था तो कराची में नहीं लगाते थे है ये यहाँ अबू में शुरू हुआ है क्यों बच्चे बाहर से कहाँ से कहाँ से आता है बाबा को ऑफर करें फिर बच्चे स्वीकार करें बाबा को ऑफर करें, फ्रूट भी बाबा को ऑफर करें फिर बच्चे खाएंगे मामा बाबा खुद बैठ के भोग बनाते थे क्या सीन होती थी संदेशी को निमित्त बिठाते थे अब मम्मा बाबा एक दो को दृष्टि दे रहे हैं हम यहाँ बैठे हैं संदेशी यहाँ भोग यहाँ मम्मा बाबा आप एक दो सामने देख रहे हैं ओ जो उस दृश्य होता था मम्मा मम्मा कहाँ थी कुछ बोले। ला 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 से बाबा हैं। तो सच्ची भावना पूरक पूरक करने से हमारे अंदर स्थिति है और सब किसी के भी न अपने कई संस्कार स्वभा के न किसी के भी झंझट में नहीं जाना है ये एक जंगल एक का स्वभाव जाएगा दूसरे का आएगा एक क्योंकि संगम है ना अभी तक ये भी वायुमंडल कभी कभी गुस्सा आता है ना यहाँ से कभी गुस्सा आता है आने नहीं देना है पर यहाँ का यहाँ पहुँच जाए जो बाबा से मिल रहे हैं, वो सबको मिले तो ये अंदर की अगर एम है मुझे ऐसा बनना है तो बनाने वाला तो कमाल का काम करता है हमारे लिए करता है उसको इच्छा है मेरे बच्चे सब ऐसे ना? इस धरती पर ऊपर रहने वाले सबका ध्यान ऊपर खींचवाने वाले निमित्त धरती पर है पर ध्यान ऊपर खींचवाने वाले है ऐसे बुक लगाएंगे ना हर एक तैयारी कर मूली सुनते सुनते तैयार करना अपने आप को हाँ। मंजूर है ये आप तो करो मंजूर नहीं है ये हां करने में आप लोगों को तकलीफ होती है क्या ऐसे ऐसे हम तो फौरन बाबा को ऐसे ऐसे करते थे बड़े प्यार से करते थे ऐसे ऐसे करते थे है। मीठे बच्चे अपने आप को हल्का रखने की आदत डालनी है भारी रहने की आदत है सेकंड में हो गए बाबा ने कर लिया मीठे बच्चे तुम्हें तो ज्ञान से अच्छी जागृति आई है कौन सी जागृति आई है सुन लो तुम अपने चौरासी जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो तो तुम्हारा भटकना बंद हो गया प्रश्न ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है उत्तर क्यों वो ऐसी मत देते हैं जिसे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो तुम सबकी एकमत हो जाती है न्यारे बन जैसे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो और तुम सबकी एकमत हो जाती है दूसरा ईश्वरी है जो सबकी सदगति करते हैं पूजारी से पूज्य बनाते हैं मैं एक शब्द और सुनाने चाहती हूँ जब पहले पहले मैं बाबा के पास आई तो मैंने सब जो बहनों को देखती थी भले पहले पहचानती थी पर वो तो, तो पहले वाला लोके के रूप से अच्छी पहचान थी प्यार भरी थी पर तो ज्ञान में दिखा सब में वंडर है एक एक बड़ा प्यारी लग रही थी बहने बहुत प्यारी एक बारी थोड़ा ख्याल आया चंद्रमा दादी और दीदी में डिफरेंट है तभी उसको गोपी कहते थे दीदी को चंद्रमा दादी का चंद्रमय नाम पीछे पर आया है अभी मैं लोक के नाम हमको आता ही नहीं किसी को भी पहले नाम क्या था दादी का फिर भी उसी गरीब अपन को चमाट मारी अपन को अंदर से सीधा किया ये सब देवता बनने वाली आत्माओं को तुमने तो ऐसे क्यों सोचा ये शुरुआत की बात है पर उसके बाद सबके लिए दृष्टि में बड़ा प्यार पैदा हो गया बड़ा सुख पाया इस बात से उन्होंने सुख दिया है मैंने सुख पाया है जरूरी समझ के गुरुवार के दिन की ये बात सोगा देती हूँ फ्रेंडली रूप में आप लोगों से भी प्यार पाती हूँ कोई न प्यार करता हो तो मैं और करके कम से कम प्यार तो लेने का दिखाई तो बने बस ठीक है ये विधि ये सब देवता बन अंदर से आया मेरे से तो श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहे थे सभी सब देवता तो उनको भी प्यार सदाई सदाई प्यार पाया है बरों का समान वालों का सबका क्यों के अंदर से है ये कौन बवा कहता है, जब भगवान पूजा से पूज बनाते हैं इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता ऐसी ऐसी विद्या अंदर अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखती है ओम शांति तुम तो बच्चे जानते हो बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होंगी तो बाबा कहेंगे भले यहाँ सो जाओ को इसमें कोई हर्जा नहीं है क्यों दे बच्चे हैं, अर्थात पांच हजार वर्ष बाद फिर से मिले हैं किसको मिले हैं बेहद के बाप को यह भी तुम बच्चे जानते हो जिसको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं क्यों बाप होता ही है एक हद का दूसरा बेहद का दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं सत्यों में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि वहां हाई सुखधाम लौकिक बाप उसको कहा जाता है लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है ये भी अर्थ सुनो लौकिक बाप जो इस लोक में जन्म देता है पर लोक बाप तो एक कई बार आकर के तुमको तो अपना बनाता है तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है वह है परेते परे धाम स्वर्ग को परेते परे नहीं कहेंगे स्वर्ग नरक यही होता है नई दुनिया को स्वर्ग पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है अभी है पति दुनिया, पुकारते भी है पावन आओ सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे जब से रावण राज होता है तब से पतित बनते हैं उनको कहेंगे पांच विकारों का राज्य सचुग में है ही निर्विकारी राज्य भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है विकारी होने के कारण भारत के मैमा को नहीं जानते हैं भारत संपूर्ण विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज करते थे अब वह राज नहीं है वह राज कहां गया अब वो राज नहीं है वह राज कहाँ गया ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं एक ही भारतवासी है जो अपने धर्म को नहीं जानते न धर्म स्थापक को जानते और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं पर वह फिर कब स्थापन करने आएंगे फिर से कब आएंगे ये नहीं जानते हैं कब आए थे ये जानते हैं फिर से कब आएंगे ये नहीं जानते हैं समझा सिख लोगों को भी ये पता नहीं है हमारा सिख धर्म पहले नहीं था गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुखद धामे नहीं रहेगा तब ही गुरु नान तब ही गुरु नानक आकर के फिर स्थापन करेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है ना क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था फिर स्थापन हुआ पहले नई दुनिया थी एक धर्म था सिर्फ तुम भारतवासी थे पर तुम चोरासी जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे पर हम ही चौरासी जन्म लेते हैं तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं बतलाता हूं आधा कल्प राम राज्य था फिर रावण राज्य हुआ है पहले है सूर्यवंशी घराना फिर है चंद्रवंशी घराना रामराज कैसे पढ़ाता है धीरे धीरे अच्छे तरह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे तो चौरासी जन्म ले अभी ना ऐसे बैठ करके के अंदर से रिवाइज करते हैं ना सारे बाबा की बात को तो बड़ा अंदर होशियार हो जाते हैं, पत्थर बुद्धि से बदलते जाते हैं सुन लिया पर रिवाइज नहीं करते अच्छी तरह से सेम जैसे बाबा ने बोला ये बहुत अच्छी बात है जैसे जो शब्द नोट लेकर के पढ़ेंगे नहीं रिपीट कर सकेंगे नोट्स देखने पड़ेंगे हमने कभी नोट्स देख करके नहीं रिपीट किया जो बाबा ने बोला जैसे बोला जाकर के एक आदमे कैसे हिस्ट्री है ये जोग्राफी है तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो मैं तुम्हें बताता हूँ पहले सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी थे फिर रामराज पूरा हो गया तब नहीं थे फिर पतत पावन का ऐसे अंदर से इतना मजा आएगा बात समझा चेहरा थोड़ा खिरने लगेगा अभी चेहरा खिरता नहीं है हुँ। नहीं। हुँ। सो चौरासी जन्म ले अभी रावण राज्य में रावण के घराने के बन गए हैं। कहाँ सूर्यवंशी कहाँ चंद्रवंशी कहाँ अभी हम रावण के घरानों के बन गए हैं आगे पुण्य आत्माएं को कह देते अभी चौरासी चो, लाखों का कौन बैठ विचार करेंगे इसे कोई का विचार चलता ही नहीं है अभी तुमको बाप ने समझाया है तो आगे बाप के आगे बैठे हो हाँ. तुम बाप के आगे बैठे हो निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही बाप के भारत के नामी ग्रामी है गाते भी है परंतु बाप को जानते ही नहीं है क्यों अज्ञान नींद में सोए पड़े है ज्ञान से जागृति आती है रोशनी में मनुष्य कभी धक्के नहीं खाता है धारे में धक्के खाते रहते हैं भारतवासी पूज्य थे अभी पुजारी है लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, वो किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र मना अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना ये हो नहीं सकता तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज So, फिर पूजारी कैसे बनते हैं यह बातें और कोई समझ न सके बापी समझाते हैं इसलिए कहते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ने कितना वारी मुरली में बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो किसको कहता है मुझे कहता है मेरे को कहता है तुम तो बच्चे जानते हो हाँ। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है यहां तुम ब्राह्मणों की है एक मत ईश्वर की मत और गत गत गति सदगति सदगति दाता एक ही बाप है गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम पर तू समझते नहीं है राम किसको कहा जाता है कहेंगे पूछेंगे राम किसको कह कहेंगे जिधर देखता हूं रामी राम है जिधर देखता हूं तू ही तो तु, रामी राम है इसको कहा जाता है अज्ञान अंध्यारा अंधारे में है दुख सोजरे में है सुख अंधारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी का ना माना बाप को बुलाना भीख मांगते है ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना, नचुग में भीख मांगने की दरकार नहीं है भिखारी को इंसालवेंट कहा जाता है सत्युग में तुमने कितने सालवेंट थे उसको कहा जाता है सालवेंट और भारत अभी है इंसालवेंट यह भी कोई समझते नहीं है कलप की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से कलप की आयु उल्टी से उल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है बाप बहुत प्यार से फिर समझाते हैं कल पहले भी बच्चों को समझाया था मुझे पतित पावन बाप को याद करो क्या समझाया था मुझे पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे पतित कैसे बने हो विकारों की खाद परी पत्थ कैसे बने विकारों की खाद परी है सारी जंक खाए हुए है अब वह जंक कैसे निकले मुझे याद करो अपमान को छोर अब ये चाहिए अंदर जिगरी पुरुषार्थ बाबा को याद कर दे अपमान को छोर बनो अपर को आत्मा समझो यानी पांडव या शक्ति की निशानी है देहमान अंदर से रियलाइजेशन होती है ये भी देहमान है ये भी है छोर देय बनो अपर को आत्मा समझो पहले तुम हो आत्म पहले तुम हो आत्मा फिर शरीर लेते हो पहले तुम आत्मा हो शरीर पीछे लेते हो आत्मा तो अमर है शरीर तो मृत्यु को पाता है कैसे दिये वाणी बनने के लिए क्या क्या अपन को समझाना होगा शरीर तो मृत्यु को पाता है सच्चु को कहा जाता है अमर लोक कलेज को कहा जाता है मृत्यु लोक दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था फिर मृत्यु लोक कैसे बना अमल लोक अर्थात अमल लोक अर्थात वहां अकाली मृत्यु नहीं होता वहां आयु भी बड़ी रहती है वह है ही पवित्र दुनिया तुम राजऋषि हो बाबा को अच्छा लगता था हमको राज ऋषि के ऋषि पवत्र को कहा जाता है तुमको पवत्र किसने बनाया उनको बनाते हैं शंकराचार्य तुमको बना रहा है शिवाचार्य कोई परावा नहीं है इन द्वारा तुमको शिव बाबा कर पढ़ाते हैं शिवाचार्य इन द्वारा शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं शंकर शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया कोई ऊपर से अवतर तो नहीं हुआ बाप ने तो इसमें प्रवेश किया आते हैं जाते हैं मालिक वो है। तो गर्भ तो में प्रवेश जन्म लिया ये तो आते हैं जाते हैं मालिक है। इसमें बाबा जब मूली चलाता था ना मुड़ी चला के अंदर जाएगा, देखा ही पड़े, वही बाबा का, बाबा बोला बाबा जावे तो मैं बात करूँगा <laughs> ऐसा चमका ऐसा बैठेगा हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, गए मन्नारी आएंगी बाबा खाना क्या बनाए, अच्छा अच्छा बाबा जाए देखा ही पड़ता था बाबा जाए तो ये बाबा अपनी कारोबार करे ना ये, जब आता है जाता है मालिक है और कभी कोई मिलने आएगा बाबा आ रहा है एक सकर, सकर, बाबा का कर लेंगा बच्ची उनसे मिलने आ रहे हैं बिल्कुल बाबा कहता है ये भी अक्ल चाहिए अभी कौन बैठा है इसमें किसे मिल रहे हैं तो हमारी याद भी ऐसे अच्छी मीठी मीठी हो गई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ बाप तो ने प्रवेश करते आते हैं जाते हैं मालिक है जिसमें चाहे उसमें जा भी सकता हूं बाबा ने समझाया है कोई का कल्याण करने अर्थ कहा मैं प्रवेश कर लेता हूं आता तो पतन में हूं बहुतों का कल्याण करता हूं बच्चों को समझाता हूं पर माया भी कम नहीं है कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उसे उल्टा सुल्टा बुलवाती है इसे बच्चों को बहुत संभाल करनी है कहीं में जब माया प्रवेश कर लेती है कहती है मैं शिव हूं मैं फैला रहा हूं मैं फैला रहा हूं माया बड़ी शैतान है समझदार बच्चे अच्छी समझ जाएंगे कि ये किसका प्रवेश है शरीर तो उनका मुकर यही है शिव बाबा का मुकर शरीर यही है पर दूसरे का हम सुने क्यों अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो बाबा ये बात राइट है या रॉन्ग है बाबा जर समझा देंगे कई ब्रह्मया भी इन बातों को समझ नहीं सकती ये क्या है कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है तो किसको चमार मार पी मार देती है गालियाँ भी देने लग पड़ती है सावधानी से फोर्स में प्रवेश अब बाप थोड़ी गाली देंगे इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं ये सब बातें पूछनी चाहिए क्यों बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है ध्यान में जा करके क्या क्या बोलती रहती है इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए बाप को पूरा समाचार देना चाहिए फलाने में मामा आती है फलाने में बाबा आता है इन बातों को छोड़ बाप का फरमान है मामे कम याद करो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो रचिता और रचना का रचिता और रचना का सिमरन करने वाले की अटेंशन प्लीज रचिता और रचना का सिमरन करने वाले की शिकल सदी व रहेंगी मैं देखूँ सबकी शिकल रचिता और रचना का सिमरण करने वाले की शिकल सदी व रहेंगी अभी तो करो फिर के लिए हो जाएंगी गुरुवार का दिन है बहुत है जिनका सिमरन होता ही नहीं है बाबा क्या करे बाबा देख रहे हमारी शिकलियां होता ही नहीं है कर्म बंधन बराबरी है विवेक कहता है विवेक कहता है जब कि बेहद का बाप मिला है कहते हैं मुझे याद करो तो फिर क्यों ना हम याद करें विवेक कहता है कुछ भी होता है तो बाप से पूछो बाबा समझाएंगे कर्म भोग तुम्हारा भी रहा हुआ है खलास करो कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी ना दस दिन हर्षित रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ होता है यह भी जानते हो मौत मलु का शिकार ऐसी अवस्था हो भले विनाश हो जाए परंतु हम मलु नशे में रहे एक तो कर्म खलास करें कर्मातीत तो अव्यता को पाए पर मिर्वा मौत मलु का शिकार विनाश होना है तुम फिरते बनते हो बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो थोड़े दिन इस दुनिया में हो फिर तुम बच्चों को स्थूल वसन ये भाषेगा ही नहीं सूक्ष्म वतन और मूल वतन भाषेगा कितना एडवांस में बाबा सा बताता है या होंगे ही नहीं जैसे इस दुनिया में सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फिर बहुत थोड़े समय बनते हो जब तुम कर्म आती तव्य को पाते हो वतन में हड्डी मास नहीं होता है हड्डी मास नहीं तो बाकी क्या रहा सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं नहीं सूक्ष्म आकार रहता है, है। वहाँ की भाषा मूवी चलती है आत्मा आवाज से परे है उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड ऐसी स्थिति बना है सूक्षम आवाज होता है यहाँ है टाकी फिर है मूवी फिर है साइलेंस यहाँ टाकी चलती है यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है वहाँ है साइलेंस वह मूवी और ये है टाकी इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले वर ले है आज सारा सीधा ही बाबा हमको माल मिठाई खिला करके टोली खिला करके प्यार से पर कहता कहते देखो तीनों लोगों को भी याद करने वाले वर ले होंगे बाप समझाते हैं बच्चे सज़ाओं से छूटने के लिए कम से कम आठ घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो आठ घंटा आराम करो आठ घंटा बाप को याद करो इस प्रैक्टिस से तुम तो पावन बन जाएंगे नींद करते हो वही कोई बाप की याद हो रही है जब नींद में है तो बाप की याद हो रही है ऐसे भी कोई नहीं समझे बाप बाकी तुम बच्चे हैं ना पर याद क्या करें नहीं बाप तो कहते मुझे याद करो अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम नहीं जा सकते हो नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा सुख्य वतन मूल वतन में भी जाना है सुख्य वतन मूल वतन में भी जाना है फिर आना है स्वर्ग में बाबा ने समझाया है अभी आओ सेवा पर ये इतना समय हमारे को डोस देता रहा सारा आगे चलक पारों में भी पड़ेगा अब तो बहुत टाइम है इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस, वेस्ट वेस्ट भारत का ही कितना बड़ा है अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाठ पाप कट जाएंगे बुलाते भी ये है पति पवन लिबरेटर हमको दुख से छुड़ाओ बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना ही है इस लड़ाई के बाद शांति होगी सुखधाम हो जाएगा सारी उथल पाथल हो जाएंगे सत्युग में होता ही है एक धर्म कले युग में है अन्य का धर्म यह तो कोई भी समझ सकते हैं सबसे पहले आधी सनातन देवी देवता धर्म था जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे पर चंद्रवंशी होते हैं पीछे ये देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं वह भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो तुमसे पूछेंगे सीरी में सिर्फ भारतवासियों का ही क्यों दिखाया है बोलो जवाब देते हैं ये खेल भारत का ही है ना आधा कल्पनों का पाठ बाकी द्वापुर कले युग में अन्य धर्म आते हैं ये नॉलेज गोले में सारी है गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है सत्युग में श्रेष्ठाचारी दुनिया द्वापुर कल युग है भ्रष्टाचारी दुनिया अभी तुम हो संगम पर ये ज्ञान की बातें हैं ये चार युगों का चक्कर कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं रहता है सत्यु में नारायण का राज्य होता है इनों को ये थोड़ी पता रहता है सत्यु के बाद फिर त्रेता होना है नारायण को थोड़ी पता है इसके बाद त्रेता होना है त्रेता के बाद फिर तो कले युग आना है यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है लक्ष्मी नारायण को पता नहीं है तो यहाँ इन मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है बाप कहते हैं पर कैसे चक्कर फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं इसलिए बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर रखो सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं यहाँ खुद शिव बाबा सुना यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो ना शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो को पहले पहले पूजा करनी होती है अभिचारी एक शिव बाबा की याद कर रहा है भक्ति मार्ग कब से कैसे शुरू हुआ एक शिव बाबा की सोमनाथ मंदिर और किसकी थोड़ा ताकत थोड़ी है बनाने की बोर्ड पर कितनी बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सच्च के मालिक बनते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं जिस समय तुम समझाते हो तो कहते ठीक है, है। जब आप समझाते हो ना तो कहते ठीक है, है। बाहर गए क्लास वहाँ की वहाँ आई अच्छा मीठे मीठे बोलो मीठे मीठे बस बोलो ना मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार रचिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है याद के यात्रा से अपने पुराने सब कर बंधन काट कर्माती अवस्था बनानी है दूसरा ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है इसलिए बड़ी संभाल करनी है बाप को समाचार दे राय लेनी है कोई भी भूल नहीं करनी है वरदान स्वयं को मोल्ड कर अच्छा सुनो वरदान स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव जो हर परिस्थिति में जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल रहते हैं इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं दूसरा बदले न बदले मुझे बदलना है हे अर्जुन मुझे बनना है हे अर्जुन भगवान क्यों कहते हैं मुझे बनना है सदा परिवर्तन करने में पहले मैं जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है रियल गोल्ड की ही वैल्यू है स्लोगन अपने श्रेष्ठ जीवन के अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो ओम शांत